अगर आप सीखना चाहते हैं विधिवत ढंग से संगीत, वो भी पूरे सिलेबस के साथ, पूरे रियाज के साथ, मॉर्निंग रियाज के साथ, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सीखिए पंडित अवध किशोर पांडे जी से पूरा घर बैठे संगीत। है ना, ये जेस्चर्स बहुत काम करते हैं। जिनको लगता है कि भाई ये गाने वाले नाच नाच के क्यों गाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको डांस करने का शौक होता है या क्लासिकल गायक ये जो गा रहे हैं इनको ऐसे मज़ा आ रहा है स्टेज पे, पर ये हेल्प होती है इन जेस्चर्स के, है ना, कि वो किस तरह से बैठे हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट, उनकी बॉडी पॉस्चर, उनका हैंड मूवमेंट्स, उनके जेस्चर, ये सारे जो हैं गायकी में मदद करते हैं, है ना। ये उनके अंग भाव जो हैं उनकी गायकी में वो चीज़ लाते हैं, है ना। अगर वो हाथ इधर से उधर ले जा रहे हैं तो उसका अर्थ है, वो निरर्थक नहीं है। ये मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप क्लासिकल गायकों को नोट करेंगे और जो समझदार हैं उनको नोट करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि उनका हाथ किसी वजह से उधर गया है। ये हाथ सप्तक अनुसार चलता है। अगर आपका सुर जो है, अगर आप यहाँ हैं तो आपके हाथ इस तरह चलते हैं, जैसे ही आप तार सप्तक में जाते हैं आपका ये हाथ निकलता है ऊपर, और जैसे ही खरज में मंत्र में जाते हैं तो ये हाथ उठता है, है ना। और अगर एक ही हाथ यूज़ कर रहे हो तो ये परिवर्तन होता है, आप देखें, है ना, ये गायकी होती है। अब जैसे मैं गाऊंगा रे ना ना रे ते ना री ना, ये पूरा जो स्केच बना देते हैं, एक गायक गाते गाते पूरी पूरी चित्रकारी करता है, है ना। रे है ना, ऐसा नहीं कि मैं फजूल ऐसे बस यूं ऐसे बाबाओं की तरह हाथ हिला रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस इन हाथों को हिलाने का एक रीज़न होता है, कारण होता है। तो जो लोग क्या होते हैं ना, इमिटेट करते हैं ना, जो बच्चे हैं अभी सीखना शुरू किया बिगिनर, तो वो भी ऐसे हाथ हिलाते हैं, उनको लगता है ऐसे ही क्लासिकल गायकी होती है ना। तो उस हाथ हिलाने का रीज़न है, आप उसे अनुसार हिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी प्रकार से ये जो जेस्चर है ये आपको मदद करेगा गाने में। आप देखिए, आप जब भीमसेन जोशी साहब की गायकी देखेंगे, भारत रत्न है वो, ठीक है पंडित जी, उनकी अगर आप गायकी देखेंगे, वो एक जगह बैठ के गा नहीं पाते हैं, उनको चार माइक लगते हैं, ठीक है, एक दो यहाँ लगे हैं, दो यहाँ लगे हैं। वो इंसान जब एक तान लेता है ना तो नीचे झुकता है, वहाँ से उठ के ऊपर उनकी तान निकलती है ना, और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं वो, कभी तान लेते लेते उधर देखने लग जाएंगे, माइक यहाँ है, इसीलिए उनको चार माइक लगते हैं, कि एक माइक यहाँ, एक यहाँ है, दो सामने, क्योंकि वो इंसान एक ऐसे बुत बन के बैठ के नहीं गाएगा आपके सामने। क्यों? बिकॉज दीज थिंग्स हेल्प, है ना, क्योंकि वो शारीरिक काम है ना, इतना वजन का काम है, भारी काम है, ऐसे बैठे बैठे वाला काम ही नहीं है कि मैं ऐसे ही ऐसे नहीं गाएंगे वो, है ना। उनको अगर गाना है तो ये वजन जब वो देते हैं ना, उनकी जो ताने जाती हैं झड़प की, है ना, और एक सांस में पूरी वो आधा सप्तक, तीन दो दो ढाई सप्तक कवर कर जाते हैं, और कम से कम दो तीन आवर्तन की उनकी तान चल रही है, तो उसके लिए शरीर में बल चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भाई व्यायाम भी होता है इसमें, प्राणायाम भी होता है, पूरी वर्जिश होती है, यानी एक्सरसाइज होती है, तब जाके शरीर में जब तक दम नहीं है आप गा नहीं पाएंगे, है ना। गाने वाले की भाई डाइट अच्छी होती है, खाना पीना उसका वजनदार है, तभी तो वजन से गायकी हो पाएगी, वरना वजन से गायकी हो नहीं पाएगी, है ना। अगर आप उनका शारीरिक आकार नोट करें तो उनकी छाती बहुत चौड़ी है, है ना, भीमसेन जोशी साहब की। मैं उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी वजनदार गायकी वो करते हैं। उनसे पहले आप एग्जांपल्स ले लीजिए बड़े गुलाम अली खान साहब, उनका शरीर देखिए कितना बड़ा था, है ना। क्यों? क्योंकि वो सब खाते पीते थे, बहुत दो दो तीन तीन किलो घी खाते पीते थे और ये सब करते थे, और मतलब उनकी तो किस्से कहानियाँ बहुत मशहूर हैं कि वो जब ज्ञान बाबू के यहाँ जाते थे, यानी कलकत्ता में ज्ञान प्रकाश घोष साहब के यहाँ जब वो जाते थे, तो वहीं वहाँ अगर वो रुक रहे हैं तो उनकी रोटी से घी टपकता था, इतना घी वो लगाते थे, यानी पूरी रोटी ऐसे घी में डुबो के, है ना। हम तो इतनी तो रोटी भी नहीं खाते हैं, मुश्किल से पतली पतली खाते हैं, वो मोटी मोटी रोटियां खाते तो उसमें भी घी डुबो डुबो के। तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शरीर में भी ताकत चाहिए, वर्जिश करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, शरीर में ताकत चाहिए, है ना, तभी उसका इस्तेमाल हो रहा है, और वही गायकी में भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप सीधी सीधी बुत बन के गाएंगे तो आपकी गायकी में वजन भी नहीं है, है ना। खैर ठीक है, ये बात अलग है कि शास्त्रीय संगीत के अनुसार ये सारी चीज़ें अंग भाव में अगर आती हैं तो ये मना कर रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि गाते गाते आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, गाते गाते आपका चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना, आपका बॉडी पॉस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए, हाव भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। ये इसीलिए कह रखा है क्योंकि वो उस अंग से, वो क्लासिकल संगीत के अंग से नहीं कहा है, वो प्रस्तुति अंग से कहा है। जो लोग ये कहते हैं, जो गायकों के गुण अवगुण जो लिखे हुए हैं ना किताबों में, आप लोग बोलेंगे कि भाई वहाँ तो लिखा है कि मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए, वहाँ तो लिखा है कि आंख बंद करके आप गाना नहीं गा सकते, है ना, वहाँ तो लिखा है कि आप ऐसे नाच नूच के गाना नहीं गा सकते, आपको सीधा सीधा प्रस्तुत,
तो वो प्रस्तुति के लिए है, गायकी के लिए नहीं है, है ना। एस्थेटिक्स संगीत में होते हैं कुछ, अपने अच्छा लगना चाहिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि भीमसेन जोशी जी को ऐसा देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता है, है ना, कि यार ऐसी क्यों वो शक्ल बिगाड़ रहे हैं, मुंह बिगाड़ बिगाड़ के गा रहे हैं, है ना, तो किसको आनंद आएगा। नुसरत फतेह अली खान साहब को अगर आप देखें, वो ऐसे ऐसे मुंह बिगाड़ के ऐसे ऐसे हाथ हाथ यूं करके गाते हैं, किसको आनंद आएगा ऐसी अजीबो गरीब स्थिति देखकर। पर वो इतना मग्न होते हैं उसमें कि उनको नहीं फर्क पड़ता कि मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ या मैं, मेरे सामने ऑडियंस बैठी है, बिकॉज वो स्वानंद के लिए गा रहे हैं, खुद के आनंद के लिए गा रहे हैं। वो जब गाते हैं उनको खुद को अच्छा लगता है, और बट ऑफ कोर्स फिर ऑडियंस को अच्छा लगना ही है, है ना। वो देख कैसा रहा है वो मानी नहीं रखता है, ठीक है। आप देखते होंगे ना भाई, एस्थेटिक्स होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, कलाकार जब प्रस्तुति देते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं, तो अच्छा तैयार होते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं, और बाकायदा जब तबले वाले बैठते हैं या सितार वाले बैठते हैं तो अपने वो गोद में शॉल रखते हैं ताकि उनके पाँव ना दिखें, है ना। तो ये कुछ एस्थेटिक्स भी होते हैं संगीत में, खैर उनका भी ख्याल रखना ही होता है, लेकिन सर्वोपरि तो गायकी है, सर्वोपरि तो संगीत है, बाकी एस्थेटिक्स और ये सब जो चीज़ें हैं ये दूसरों के लिए है, है ना। तो उस सब का अगर आप पहले ख्याल रखेंगे और अपनी गायकी को क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो बात नहीं है, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक का ख्याल रखिए और पहले वज़न हाथ से ले आइए, है ना।